अरदास करके ये जिम्मेवारी रास की झोली च पाती संगत और उदू बाद जो है इतने आके जो मतलब संप्रदावान भी नाल सी जी ये असा शुरू कर लिया। संगत का हुक्म दास टाल नहीं सकता। सो मैनू कहंदे तुसीं काम नूं आया करो, तुसीं बंद करो। मैं कहा मेरे च ताकत नहीं हैगी, मैं गुनाही नहीं हो सकता, तुसीं इहदे च असीं फिर आ करांगे। पापा दे प्रधान नाल उहने फिर गल कीती अपना जिहड़ा हुण बणिया वे टैलीफोन ते। मैं कहा तूं मेरी गल करा दे, कहिंदा मैं तेरी नहीं कराउंदा। उहने करा के उहदा इन्ना एरोगेंट और इन्ना ओह हंकार सीगा उहनूं, असीं उहनूं जवाब दे के उठाए। मैं कहा वी तेरी गल मन सकदा, कहिंदा मैं थोड़े ते कार्रवाई कराऊंगा। श्रोमणी कमेटी तो वायलेटर है ऑलरेडी, श्रोमणी कमेटी के खिलाफ जी पब्लिक इंटरस्ट पटीशन पई है क्योंकि इन्होंने इतने कंक्रीट कंसट्रक्ट किया और इन्होंने जो जवाब दिए उन्होंने कहा जी सानू तो पता ही नहीं जी ये प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है। साडा कंस्टीट्यूशन जिहड़ा कंस्टीट्यूशन च एक तो है ह्यूमन राइट्स अपने, एक है डायरेक्टिव प्रिंसीपल। डायरेक्टिव प्रिंसीपल सानू अख्तियार देंदे ने पब्लिक नूं कि जिथे कोई भी स्मारक है जिहड़ा नैशनल स्मारक है जिहड़ी प्रॉपर्टी है जो उन्होंने कोई डिफेस करता है या उन्होंने को ढाउंदा है या उहदे च तुसीं बांह फड़ के उन्होंने रोक सकते हो, यू कैन फिजिकली स्टॉप दैट पर्सन। कहा जा रहा है इन्होंने कोई थान जिहड़ी साडी जिहड़ी हैरीटेज है, देखो एक चीज़ होर बड़ा कि जू है वक्फ बोर्ड अपनी प्रॉपर्टीज़ नूं आप सांभदा है। मैनू किसी थान से तुसीं उन्हां दी कोई प्रॉपर्टी डिगदी दिखा दे, इसे तरह चर्चेज ने आप सांभदे ने। साड़ी जड़ी कौमी जड़ी है साड़ी जड़ी विरासत है उन्होंने सरकार मल के बहगी, सरकार कहती है साड़ी प्रॉपर्टी है, उन्होंने मेनटेन भी नहीं करते, साडा हैरीटेज ही मुकादन लगे ने। हवेली की सारी जायदाद जड़ी है यदि मलकीयत जड़ी है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने यदि सेवा संभाल ली 1,07,00,000 के करीब रुपया श्रोमणी कमेटी ने अपनी गोलक विचों लाया। कोई चार बंदे उठे कट्ठे हुए तो आके हवेली मतलब उत्थे छेड़छाड़ करन लगे, तो ना तुहाडे कोल इस गल का अधिकार है कि तुसीं उहदे मालक हो, ना तुहाडे कोल इस किस्म का अधिकार है कि तुहानूं उहदी सेवा संभाल दी कोई सेवा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों दी गई है। डॉक्टर मनजीत सिंह रंधावा, मैं रिटायर सिविल सर्जन हाँ। साड़ी डॉक्टर की PCMS एसोसीएशन जी है मैं स्टेट प्रेजिडेंट रहा हाँ। इस वे एक साड़ी सभ्याचार से विरसा संभाल मंच एक साड़ी संस्था है उन्होंने मैं हेड कर रहा हूँ। इशू की आ रहा जहाज हवेली, जहाज हवेली का इशू यह है कि आज यदि हालत थोड़े सामने है, यह बहुत देर तो यह जी है ना क्योंकि कंजर्व होनी चाहिए सी और इनू किसी ने जी ना किसी डिपार्टमेंट ने ना किसी SCPC ने किसी ने कंजर्व नहीं किया, बिल्कुल ढहन के किनारे है। यदी जी थले जो मंजिल तुम्हें देखा इन स्टिचिंग वर्क इन कहें स्टिचिंग वर्क पर इन्ना अधूरा और इस तरीके किस्म का किया गया जेड़ा इनू सिक्योरिटी नहीं दिता। अच्छा मीह जोड़ा है वो थोड़ा पता भी पिछले 2 साल तो यह जोड़ा है वो मतलब शुरू तो ही पै रहा है, वो पानी जोड़ा यदि नीह पीह बैठी जा कंधा उदलरी जाए परली कंध जी भी उलर चुकी है, 4-4 फुट दंधा इन डूंगिया नीह के बावजूद उलर रही ने, यह बिल्कुल मलिया मेट हो जाएगी। ये की होया कि ये संगत ने जदों आ जोड़ मेले से असी इनू करना चाहते सी अपनी संस्था वालों, असी इनू अपना 16 तरीक 9वें महीने की 16 तरीक असी अप्लाई किया अपना जी है डायरेक्टर भी किया और जिहड़े जॉइंट सैकटरी ने जिहड़े आर्काइव डिपार्टमेंट के हैगे ने वह कहिंदे असीं तुहानूं परसन हीयरिंग देंगे, उन्होंने सानू कोई परसनल हीयरिंग दिती ना। इन दी मीन टाइम जी है असी लगे रहे पर सानू उधरों हाले तक प्रॉपर सानू परमिशन उन्होंने दिती नहीं सी। जोड़ मेला आ गया, जोड़ मेले तो असं आना ही आना सी, असं इतने आके संगत रूप से असं जी वेखन डे गल कर डे भी आप संगत इतने आई भी सी अपना जी काफ़ी खुली संगत सी। अच्छा वो झोड़ा की संगत सी जिदा करके मैनशन करना पैंता कि वो जी संत बाबा ईश्वर सिंह के पिंडों से उन्होंने इतने जी 1300 रुपया इकट्ठा किया उन्होंने आपस साढ़े हाथ से रख के तो कहें जी अरदास करो और बड़े वराग से मतलब जी अथरू बह डे उन्होंने मैं उन्होंने मोड़ नहीं सके। मैनू कहिंदे मैं कहा भी हुण सारे संगत रूप च अरदास करो फिर जे महाराज सच्चे पातशाह ने मेरे कोल इन्ने साधन नहीं हैगे पर मैं दिलों करना तो मैं चाहुंदा, कहिंदे ने जी सारी संगत इस गल च सारे ने अरदास कीती, अरदास करके ये जिम्मेवारी दास की झोली च पाती संगत ने
और उदू बाद जो है इतने आके जो मतलब संप्रदावान भी नाल सी तो यदि जी है ना ये असी शुरू कर लिया फिर असी बड़ा सोच समझ के देखो साढ़े को हाले परमिशन है नहीं असी कोई इतने पट खुदाई ना करिए असी सिर्फ उन्नी क गल करिए जी किसी भी ऑब्जेक्शन ना आँदी होगी जी ना जो थल्यों कमरा जरा जो है वो असी डाट लाने की गलू शुरू कर लिया क्योंकि वो कुछ भी असी आल्टर नहीं कर रहे तो कल सानू इतने श्रोमणी कमेटी के दो मुलाजम आए उन्होंने कहा थोड़ा मैनेजर साहब सद देने तुम किसी पूछा नहीं गा असी क्या भी चलो ही आने असी बड़े आराम उन्होंने को गए असी उन्होंने जाके कहते कहते भी नहीं तुम ए नहीं बिल्कुल इतना श्रोमणी कमेटी ने करवानी है श्रोमणी कमेटी कराएगी साढ़े को 10-10 करोड़ वाले बंदे ने लुधियाने की को पार्टी है इंग्लैंड की है वो साढ़े प्रधान साहब के साडे बादल साहब के बहुत नेड़े ने उन्होंने अंतर कमेटी एक रेजोल्यूशन पा चुकी है भी असी उन्होंने ये देनी है मैं क्या भी मैनू इस गल का नहीं पता जिन्होंने तुम देनी है दो पर मैं क्या जितों तक संगत ने सानू ये हुक्म लाता है सतगुर सच्चे पातशाह संगत की विसवे गुरु भी विसवे है संगत का हुक्म दास टाल नहीं सकता सो मैं कहें तुम काम में आया करो तुम बंद करो मैं क्या मेरे से ताकत नहीं हैगी मैं गुनाही नहीं हो सकता तुम ये असं फिर आ करा पर प्रधान ना उन्हें फिर गल की अपना जो हूँ बनया वे टैलीफोन से मैं क्या तू मेरी गल करा दे कहना मैं तेरी नहीं करा उन्हें करा के वह इन्ना एरोगेंट और इन्ना वो हंकार सू असी उन्होंने जवाब देकर उठाए मैं क्या भी असरी गल मान सकते कहना मैं थोड़े से कार्रवाई कराऊंगा उदू बाद हाले असं इतने पहुंचे नहीं गए मगरे मगर साढ़े 5-20 इतने पुलिस आ गई बड़ी भारी फोर्स सी मतलब बड़े सीनियर अफसर सी ना उन्होंने पिट सुन दी है उन्होंने ये नहीं भी साढ़े कोई वादघट की हो सू कहते भी दसो मसला की है अस क्या जी मसला तो आ है कि अपनी इंट्रोडक्शन दी उन्होंने संस्थावान बारे दसिया उन्होंने जड़िया मैं एप्लीकेशन जरा मैं जो है रिक्वेस्ट की उन्होंने रिक्वेस्ट लिखाई उन्होंने वजीर वाली गल भी मैं उन्होंने दसी मैं तो डायरैक्टर भी महकमे दिन जॉइंट सैकटरी भी उदू बाद क्योंकि 3 महीने हो गए थे दैन आई वॉन्टड टू टॉक टू मिनिस्टर और मैं क्या मैं उन्होंने वट्सअप मैसेज आ जड़ी ना मैं रिक्वेस्ट उन्होंने भेज चुका साढ़े को हले प्रॉपर नहीं उन्होंने दी जी हैगी परमिशन पर मैं क्या असी जैनुअन है मतलब कंजरवेटर हाँ ये बारे फिर वो कहते कहते संतों कहते कब्जा कर आ गए फिर उन्होंने गलत किया मैं जी तुम उन्होंने जाके पुछ लो वो देवर कन्विंस के असी जी हैगी है वो कहते भी नहीं असं कन्विंस ना भी थोड़े से यही कोई गल नहीं हैगी पर सरे दस्त क्योंकि इनू जी है ना तुम काम में इनू होल्ड रख लो तो प्लीज़ तुम जी है अपना परमिशन तुम गवर्नमेंट को ले लो तो जी है सानू कहते श्रोमणी कमेटी कहते जी असं थोड़ा उतो लैके देंगे श्रोमणी कमेटी तो वायलेटर है ऑलरेडी श्रोमणी कमेटी का खिलाफ जी पब्लिक इंट्रस्ट पटीशन पई है क्योंकि इन्होंने इतने कंक्रीट कंसट्रक्ट किया और इन्होंने जो जवाब दिए उन्होंने कहा जी सू तो पता ही नहीं जी ये प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर है मैं क्या तुम सू नहीं लैके दे सकते असी पाबंद हाँ और बड़े हम्बली हाथ बन के मैं क्या बड़ी मेहनत ना थोड़ा कहना कि साड़ी तुसी सेवा नू ना रो संगत नहीं चाहे महकमा करूंगा असं महकमे गल कर नहीं जी नहीं असी गल सुनो असी सरे दस्ते है कि असी इस तरह की कंसल्टेशन नहीं चाहते एडमिनिस्ट्रेशन नाल भी नहीं चाहते वी आर जेन्युइन पीपल असी वो चाहे भी जो असी अपलाई किया हुआ लैट गवर्नमेंट एक्सपेडाइट अवर रिक्वेस्ट सानू परमिशन दे दे उसे तो कोई पाबंदी नहीं हैगी कल नू दे दे नहीं देन दी जी हाई कोर्ट ने श्रोमणी कमेटी नू रिस्ट्रिक्ट किया हुआ श्रोमणी कमेटी नहीं दे सकती श्रोमणी कमेटी हैज नो अथॉरिटी एट द मोमेंट टू नहीं कंजर्व करने प्रॉपर्टी हैगी है यह ना एक है मिस्टर रंधावा कोई सके इतने जो है ABC भी रहे थे सू जो उन्होंने इनू मुल लै लिया उदू बाद अपनी रजिस्ट्री बिना किसी वे तो लैके श्रोमणी कमेटी डोनेट करके श्रोमणी कमेटी ने तो गवानी नहीं खर्ची दी नहीं बिल्कुल हाले सरे दस्त क्योंकि श्रोमणी कमेटी हाई कोर्ट ने रोकया वे अच्छा गवर्नमेंट को भी उन्होंने रिस्ट्रेन उन्होंने पार्टी रिस्ट्रेन किया असी पार्टी नहीं है साढ़े तो मैं थोड़ा एक गल दसदा कि ये साडा कंस्टीट्यूशन जोड़ा कंस्टीट्यूशन से एक तो है ह्यूमन राइट्स अपने एक है डायरेक्टर प्रिंसीपल्स डायरेक्टर प्रिंसीपल सानू अख्तियार देंगे ने पब्लिक को कि जिथे कोई भी स्मारक है जोड़ा नैशनल स्मारक है जी प्रॉपर्टी है जो उन्होंने कोई डिफेस करता या उन्होंने कोई ढाँदा या वो तुम बह फड़ के रोक सकते हो यू कैन फिजिकली स्टॉप दैट परसन मतलब प्रोटेक्शन दिंदा ना ही जो पैसे कहे जा रहे ने मुताबिक दूसरा की है इन्होंने प्रोग्राम की बनाया जो फर्ज कर मैं करना चाहना इन्होंने प्रोग्राम यह बनाया 10 किन्ने पैसे लाने उन्होंने पैसे जमा करा ही लावे
ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪਨ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਕੋਈ ਦੱਸੀ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਕਰੂਗੀ ਜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇਖੋ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਫੋਰ ਦੀ ਪੀਪਲ ਆਫ ਦੀ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਬਾਏ ਦਾ ਪੀਪਲ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਰਕ ਸਾਡਾ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਿਲ ਗੋ ਟੂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਦਾ ਧੁਮਿਲ ਰਵੱਈਆ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਅਵੇਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਅਵੇਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਜੂ ਹੈ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪ ਸਾਂਭਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡਿੱਗਦੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਚਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਸਾਂਭਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮੱਲ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਡਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੀ ਮੁਕਾਦਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਵਿਲ ਗੋ ਟੂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਲ ਗੋ ਟੂ ਦੀ ਹਾਇਸਟ ਅਥਾਰਟੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਅਗਲਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਫਲਾਣਾ ਮਹਿਲ ਵੇਚ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਜੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਾਊਸ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੇ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਇੱਕ ਕੰਸਪਰੇਸੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੀ ਮੁਕਾਦਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਸੰਭਲੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਸੰਭਲੀ ਆ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਸੰਗਤ ਲਾਫੁਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਫਰਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਜੇ ਕੰਫਰਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਰ ਰੈਡੀ ਫੋਰ ਇਨ ਕੰਫਰਟੇਸ਼ਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮੱਲ ਜੀ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟਰੇਸ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਾਈ ਅੱਜ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 1,07,00,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੁਪਈਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਇਆ ਇਹਦੀ ਇਹਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਥੈਂਟਿਕ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਦੇਵੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਤਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦੇਵੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਭੇਜ ਦੇਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਇੱਕ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਭਾਗ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 30 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 30 ਬੰਦੇ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 4 ਬੰਦੇ ਉੱਠੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਭਾਈ ਟੋਡਰਮੱਲ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਬਾਦ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 10/12/2021 ਨੂੰ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 33 ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹਦਾ ਦਾਸ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਇਹ ਸੇਵਾ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਜੋਲੀ
और मेरा नाम है एक इमारती ओएसडी एक मैनेजर गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहब पर ये प्रवानगी पंजाब सरकार तो भी उन्होंने लेनी पैनी है पुरातत्व विभाग तो क्योंकि ये जिहड़ी सेवा है वह पुरातत्व विभाग की निगरानी हेठ उन्होंने गाइडलाइन हेठ के होनी है। सो इसलिए ये मैनू लगता कि हुण कोई वाद विवाद वाली गल जी रह नहीं गई शायद किसी सिख को इस गल का भुलेखा होगा संगत को हजे यदि पूरी जानकारी नहीं पर मेरे को मता भी मौजूद है तो मैं मता भी दे सकता। सो